अर्चना पूरन सिंह न केवल एक शानदार अभिनेत्री हैं, बल्कि एक बेहतरीन कॉमेडियन भी। अपने मजाकिया अंदाज को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। जब से द कपिल शर्मा शो के साथ अर्चना पूरन सिंह का चेहरा जुड़ा है, शो में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगा है। बावजूद इसके आज भी सिद्धू पाजी की कमी कई लोगों को खलती है। आज भी कई लोग हैं जो सिद्धू पाजी की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग हैं जिन्हें उम्मीद है कि पुराने विवादों पर फुल स्टॉप लगेगा, नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी कपिल शर्मा के शो पर होगी। और इन्हीं कारणों की वजह से कई लोगों के गुस्से का शिकार अर्चना पूरन सिंह होती रहती हैं। लोग अर्चना पर सिद्धू पाजी की जगह लेने का आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे ही कुछ इल्जामों पर अर्चना पूरन सिंह ने चुप्पी तोड़कर जवाब दिया है। आपको बता दें, अर्चना अपने इंस्टाग्राम हैंडल से रिसेंटली लाइव आई, जहां एक शख्स ने उनसे पूछा, क्या सिद्धू की कुर्सी हथियाने में आपका हाथ है? क्या आपकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी कपिल शर्मा के शो में नहीं हो रही? यहां अर्चना ने कहा, मैं समझती हूं कि सिद्धू के बहुत से प्रशंसक हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये एक नौकरी है और मैंने उनकी कुर्सी नहीं ली। एक और बात जो मैं जोड़ना चाहती हूँ वो ये है, कपिल इस शो में कहते हैं आपने सिद्धू की कुर्सी ले ली, अगर कपिल गंभीर हुआ तो क्या उसके ऊपर हंसती? मैं सिद्धू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। डॉली की डॉली को प्रमोट करने के दौरान मैं एक शो में आई थी, मैं उस समय सिद्धू से मिली, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिद्धू के प्रशंसकों को मेरा पूरा सम्मान। हालांकि आपको बता दें, अर्चना पूरन सिंह से सवाल ये भी किया गया, क्या आप कपिल का शो छोड़ने वाली हैं? उन्होंने कहा कि ये साथ इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी कपिल के शो में अब पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि लोग काफ़ी हद तक अर्चना पूरन सिंह को स्वीकार कर चुके हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।